प्रसिद्ध विद्यालय में पत्रकारों का आवागमन। तो भाई साहब जो पत्रकार लोग हैं वो अक्सर आते रहते हैं, ज़्यादातर तो वो होते हैं जो पत्रकार होते भी नहीं है, मोबाइल लेके अपना चले आते हैं, उल्टे सीधे फ़ोटो खींच के ब्लैकमेलिंग करते हैं शिक्षकों को कि बच्चे सफाई कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, मेज उठा रहे हैं, ये करके टीचर को ब्लैकमेल करते हैं और जो है पैसे की मांग भी करते हैं और डराते हैं और धमका के कि हम अधिकारी से साइन फ़ोन कर देंगे, BSC कर देंगे। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो दो आदेश आपके वहाँ प्रिंट फोटो कॉपी करा के रख लो या PDF का जो है प्रिंट आउट निकला के रख लीजिए, जिससे आप दो आदेशों का प्रिंट आउट करा कर अपने स्कूल में रख लें। एक आदेश है आया हुआ था जिसमें मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के नाम से पड़ा हुआ है गूगल पे, उसमें आपको मिल जाएंगे कि बच्चों को कार्य करा सकते हैं आप, हर रोज 20 मिनट बच्चों के साथ स्कूल की साफ सफाई करा सकते हैं और भी कई चीज़ें करा सकते हैं जिसमें आदेश है। तो यानी कि अगर कोई चुपके से भी वीडियो बना लेता है तो आप बच जाएंगे इस आदेश को दिखा के कि भैया ये आदेश है, बच्चों के साथ जो है रोज़ सुबह जो है सफाई करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और आदेश है, उस आदेश में ये है कि बिना अनुमति के, मतलब बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी के लेटर के आदेश के और बिना ओरिजिनल ID के आप विद्यालय के, देखिए ये आदेश है, इसी तरीके के हर ज़िले के BSC के नाम निकला होगा, आप इससे भी काम चला सकते हैं कि बिना ओरिजिनल ID के आप विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप विद्यालय में प्रिंट आउट करा के रख लीजिए,